नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। असम सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2021 से उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। यह फैसला सोमवार को असम कैबिनेट की एक अहम बैठक में लिया गया है। इस नियम को लागू करने के लिए सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को पास किया था। इस नियम के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकेगी जिनके 2 बच्चे हैं। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होगा। इस विषय में पीएम मोदी ने कहा था कि सीमित परिवार से परिवार के साथ देश का भी भला होगा। उन्होंने छोटे परिवारों को देखते हुए कहा था कि छोटा परिवार रखना भी एक तरह से देशभक्ति ही है। उन्होंने कहा कि जिसका परिवार छोटा है वह भी देश के विकास में योगदान दे रहा है और ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये तो हो गई सरकारी नौकरी करने वाली जनसंख्या की बात, परंतु उन लोगों का क्या जो सरकारी नौकरी का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे कई वर्ग है जिनका पेशा व्यापार या प्राइवेट नौकरी होती है। ऐसे में इन लोगों को सरकारी नौकरी का कोई लालच नहीं होता, तो हो सकता है इस नियम का देश की आधी जनता पर कोई प्रभाव होता नजर नहीं आएगा। पर जरूरी बात यह है कि कम से कम इस दिशा में एक कदम तो उठाया गया, जो कि वर्तमान समय में सबसे जरूरी मुद्दा है। अब देखना होगा सरकार इस विषय की महत्ता को समझते हुए इसमें और क्या नए कदम उठाती है। रिपोर्ट अखबार जगत।